तो इस वर्ष में तो इतना बढ़िया सावन आया है। हमारे आचार्य जी ये बोल रहे थे, ये महात्मा जी बोल रहे थे कि इतना बढ़िया सावन 70 साल के बाद आया है। बोलते हैं 70 साल से भी ज्यादा समय हो गया होगा, तो इतना बढ़िया सावन 70 साल के बाद में इतना बढ़िया ये सावन आया है जिसमें दुनिया भर के योग चल करके आए हैं। तो ऐसे श्रावण को अपने हाथों से मत जाने दीजिए, इस सावन से भगवान को सिद्ध कर लीजिए, साधना को स्वीकार कर लीजिए। तो आज का दिन हमारे और आपके लिए अभिभूत। आप रोजाना अभिषेक नहीं कर सकते तो एक काम कीजिए। क्या काम कीजिए? एक तांबे का लोटा लीजिए, बहुत ध्यान से सुनिए, भगवान महादेव को तांबे के लोटे में जल भर के चढ़ाया जाए, वो बहुत ज़्यादा विशेष होता है। भगवान महादेव को चांदी या पीतल के लोटे में दूध भर के चढ़ाया जाए, वो बहुत ज़्यादा विशेष होता है, क्योंकि दूध को ताम्र पात्र में नहीं रखा जाता है, तो सबको पता ही है। यदि आपको तांबे का लोटे में दूध चढ़ाना ही है तो एक काम करना होगा, उसमें तिल डालने पड़ेंगे, उसमें जल डालना पड़ेगा, गंगा जल डालना पड़ेगा, एक फूल भी डालना पड़ेगा, तभी आप चढ़ा सकते हैं पूरा दूध ताम्र पात्र में। उसके लिए निषेध कर दिया गया है हमारे शास्त्रों में, जैसे शहद कभी कांसे के पात्र में नहीं रखा जाता। ऐसा बताते हैं कि कांसे के पात्र में यदि शहद रख दिया गया तो इसकी स्थिति मदरा जैसी हो जाती है। कांसे के पात्र में कभी भी शहद नहीं रखा जाता। तो भगवान महादेव के लिए जल चढ़ाने के लिए ताम्र पात्र बहुत बढ़िया है, तांबे का पात्र, ये सब ग्रंथों में बातें लिखी हैं। तो उसमें नीचे एक छेद कीजिए, तिपाई बाजार में मिल जाती है, पीतल की खूब अच्छी तिपाई मिलती है, नीचे पिंडी हो तिपाई रखिए, उसके ऊपर उस कलश को रख दीजिए, नीचे छेद कर दीजिए। तो सुबह भर दो उस लोटे को, शाम तक चलता रहे, और शाम को भर दो तो सुबह तक वो धार चलती रहे। कुछ समय में ही आप देख लीजिए पूरे घर का परिवर्तन हो जाएगा, आनंद हो जाएगा। जिनके तबला खोपड़िया के चढ़े हुए हैं उनके भी तबले उतर जाएंगे, इतना अच्छा, इतना बढ़िया हो जाएगा, इतना सब कुछ अच्छा हो जाएगा। भगवान शिव को जल चढ़ाने की इतनी बड़ी महिमा है, जल धारा शिव प्रिय, शिव को जल अति प्रिय। जल जन्म देने वाला है और लय करने वाला है। तो महादेव के ऊपर जल चढ़ाते हैं, मैंने एक वीडियो डाली है, शंकर के ऊपर जल क्यों चढ़ाया जाता है, जो हमारी जन्म और मृत्यु दोनों को सुधार दे जल चढ़ाने से। भोलेनाथ को जल चढ़ाया जाता है, जन्मेते लयते जल, जो हमें जन्म देने वाला भी है, जो हमारा लय करने वाला भी है, उसी को जल कहते हैं। भगवान भोलेनाथ के ऊपर पानी चढ़ाने से हमारी जिंदगी और मृत्यु दोनों सुधर जाती हैं, इसलिए भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाना चाहिए। भोलेनाथ जितना जल से प्रसन्न होते हैं उतना वह और वस्तुओं से उतना प्रसन्न नहीं होते, जितना कि वो पानी से जल से वो प्रसन्न होते हैं। तो सावन का महीना चल रहा है, भगवान भोलेनाथ को अति प्रसन्न करने वाला यह समय है।